अब आती है उनकी बात, जो अभी भी SLR पॉजिटिव में बैठे हैं, उनका पेन लेग में जाना शुरू हो गया है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट, हर पेशेंट डिफरेंट होता है, मैं तो पहले से कहता हूँ। अब जो जिनका ठीक नहीं हो रहा, लेग में पेन जा रहा है, सियाटिका शुरू हो गया है, किसी भी चीज़ से रिलीफ नहीं मिल रहा, इवन के मेडिसिन स्टीरॉयड सब कुछ कर लिया, कोई रिलीफ नहीं, उनके लिए नेक्स्ट आता है एपीड्यूरल इंजेक्शन। एपिडुरल इंजेक्शन लगता है, इससे जो इन्फ्लामेशन होती है पेशेंट की कम हो जाती है। ये पेशेंट अभी भी रेस्ट पे चल रहा होता है इसके, क्योंकि सिम्टम्स बढ़े हुए हैं। काफ़ी लोग यहाँ तक ठीक हो चुके होते हैं, पर जो नहीं ठीक होते हैं उनके लिए भी तो ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पे इनको हम फ्लेक्शन एक्सरसाइज ही देते हैं, क्योंकि इनका एक तो एज जो है वो ज़्यादा होती है, दूसरा एक्सटेंशन करने में इनको पेन बढ़ता है, क्योंकि इनका जो मेन प्रॉब्लम है वो इस टाइम पे स्टिनोसिस है, ना कि डिस्क बल्ज। स्टिनोसिस यानी कि नैरोइंग इतनी ज़्यादा है कि इनके पास इतनी भी जगह नहीं है कि इस तरह से खड़े हो सके। खड़े होते ही स्पाइन थोड़ी सी एक्सटेंशन में जाती है और एकदम से शूटिंग पेन लेग में जाती है, इसलिए इनको ये वाली चीज़ फ्लेक्शन एक्सरसाइज जो है वो करवानी पड़ती है। नेक्स्ट आता है सर्जरी। किसी भी चीज़ से कोई रिलीफ नहीं मिला, और वो चार सिम्टम जो मैंने आपको पहले बताए थे, जिसमें यूरिन का कंट्रोल बंद हो जाता है, फूट ड्रॉप हो जाता है, या पैरों में इतनी वीकनेस है कि टोज पे या एडी पे खड़े नहीं हो पा रहे, उसमें हम करेंगे सर्जरी। मान लीजिए ये था हमारा वर्टिब्रा, ये था वर्टिब्रा, यहाँ पे है हमारी ये कैनाल दिख रही है आपको सारी, ये है डिस्क। अब इसने इस तरह से नर्व को टच किया हुआ है, यहाँ पे ऐसे इतनी बार आई हुई है ये, इसने यहाँ से सारा ब्लॉक कर दिया। अब हमारी एक्सरसाइज की एक कैपेसिटी होती है कि वो थोड़ी सी स्पेस बना देगी जिसमें नर्व आराम से रह सके। अगर एक्सरसाइज से इतनी स्पेस नहीं बन रही, तो ये जो स्पेस एकदम से बंद हो गई है, तो इसको हमें बनाना तो पड़ेगा। अगर एक्सरसाइज नहीं बन रही तो हमें इस डिस्क को, इतनी डिस्क को, इस पोर्शन को काटना पड़ेगा। अगर तो ये डिस्क काट के, इसको कहते हैं माइक्रो डिसेक्टमी सर्जरी, इससे काफ़ी पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर ये L4 L5 के बाद L5 S1 में भी इतनी डिस्क पड़ी हुई है तो उसको भी काटना पड़ेगा, तो दो लेवल में माइक्रो डिसेक्टमी हो गई। फर्दर अगर आपकी एज भी ज़्यादा है और यहाँ जो फेसेट जॉइंट है, लिगामेंटम हाइपरट्रॉफी है, अगर वो भी हो रही है, तो इसका मतलब कैनाल चारों तरफ से फंसी हुई है। उस केस में डॉक्टर क्या करते हैं, लेमिनेक्टमी करते हैं। लेमिनेक्टमी करते हैं तो लेमिना जो होता है पीछे वाला एरिया, पीछे वाली जो दीवार है उसको निकाल देते हैं। इससे स्क्रूज भी लगाने पड़ते हैं अगर दो लेवल पे है, लेमिनेक्टमी अगर हम दो लेवल पे करते हैं तो हमें स्क्रू लगाने पड़ते हैं ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। तो जब भी टेल बोन या कॉक्सिक्स की प्रॉब्लम आती है तो हमें बोला जाता है कि हमें कुशन में बैठना चाहिए। वो कुशन की तीन तरह की खासियत होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो कुशन है, वो इस तरह से ज़्यादा हमारे बैठने पर दब नहीं जाना चाहिए, वो फर्म रहना चाहिए, प्रॉपर हमारी पोजिशन में रहना चाहिए। सेकेंड, जो हमारा कुशन है वो पीछे से हमारा ऊंचा होना चाहिए और आगे से स्लांट होना चाहिए। पीछे से ऊंचा इसलिए होना चाहिए कि जब भी हम बैठे तो हम ऊंचा बैठे, हमें नीचे नहीं होना पड़े। थर्ड क्वालिटी होती है कि हमारा जो कुशन है वो इस तरह से टेल बोन के लिए कट आउट होना चाहिए। जब कट आउट होगा तभी हमारी जो टेल बोन है उसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। तो ये तीन क्वालिटीज़ हैं वो आपको इस क्वेश्चन में मिलेंगे। तो इसको ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये बेस्ट क्वेश्चन है। या फिर हमारी TLIF सर्जरी होती है जिसमें ट्रांसफोरामिनल लंबर इंटर बॉडी फ्यूजन किया जाता है, उसमें भी वो फिक्स कर देते हैं ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो, बार बार ये जो सर्जरी है वो करवाने की जरूरत ना पड़े। पर इससे थोड़ी सी स्टिफनेस बढ़ेगी, पर आप सिक्योर हो जाओगे। अब लोगों को लगता है कि सर्जरी जो है वो हमने नहीं करवानी, पर कई कंडीशन होती हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपका एक लेवल होता है, वहाँ तक हमें रिलीफ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फ्यूचर के लिए हमें सर्जरी करवानी पड़ सकती है। तो यहाँ तक हमें सारा ट्रीटमेंट जो है ये चलता है। अब सर्जरी करवाने की जल्दी नहीं है जब तक हमें वो चार सिम्टम नहीं है। अब हमने पूरा आराम से 2 से 3 महीने लीजिए, अगर आपके सिम्टम्स रिलीफ हो रहे हैं, 10-10% करके भी हो रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा काम ऐसा है जिसमें मुझे भाग दौड़ करनी पड़ती है और दोबारा से डिस्क ना निकल जाए, फिर आप रिस्क ना लीजिए, फिर आप सर्जरी करवा लीजिए। तो ये हमने कंप्लीट गाइड जो है ये हमने करना है डिस्क बल्ज ट्रीटमेंट के लिए। आपके और भी क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा, उसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा सारे कमेंट्स का मिला के, कि आपके एक एक क्वेश्चन का जो उसमें आंसर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए जो मुझे लग रहा था कि आपका जानना ज़रूरी है, वो कंप्लीट गाइड डिस्क बल्ज Part 1 + Part 2, कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे हमने ख़त्म किया है, ये सारा उसमें आपको मैंने बताया हुआ है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
सबके साथ शेयर कीजिए। और मुझसे वन टू वन कंसल्ट करना है तो नीचे लिखे नंबर पर जाके आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, उसकी छोटी सी फीस होती है उसको पे करके आप मुझसे वन टू वन कंसल्ट कर सकते हैं। और बैक से रिलेटेड, नी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी आपको प्रोडक्ट चाहिए तो हमारी वेबसाइट sukoonphysicaltherapy.com पे जाके आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं या नीचे लिखे नंबर पे जाके भी कॉम्बोज को ऑर्डर कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।